डीनू मोरिया की पहली फिल्म आती है प्यार में कभी कभी, 1999 में रिलीज हुई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2002 में इनकी फिल्म आती है राज, और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर की गई। 2002 में इनकी अगली फिल्म आती है गुनाह, और ये फिल्म फ्लॉप रही। 2003 में इनकी फिल्म आती है बाज, और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दी गई। 2003 में इनकी फिल्म आती है श, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2004 में इनकी फिल्म आती है इश्क है तुमसे, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2004 में इनकी फिल्म आती है प्लान, और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2004 में इनकी अगली फिल्म आती है इंसाफ, और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दी गई। 2004 में ही इनकी अगली फिल्म आती है रक्त, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2005 में इनकी फिल्म आती है चेहरा, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2006 में इनकी फिल्म आती है अक्सर, और भाई साहब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट डिक्लेयर की गई। 2006 में इनकी फिल्म आती है होलीडे, और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2006 में इनकी अगली फिल्म आती है फाइट क्लब, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2006 में ही इनकी अगली फिल्म आती है टॉम डिक एंड हैरी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई। 2006 में इनकी फिल्म आती है आपकी खातिर, और भाई साहब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2007 में इनकी फिल्म आती है लाइफ में कभी कभी, और भाई साहब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2007 में इनकी फिल्म आती है दस कहानियां, और भाई साहब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2008 में इनकी फिल्म आती है बरम, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2008 में इनकी फिल्म आती है अनामिका, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2008 में इनकी अगली फिल्म आती है हीरोज, और ये फिल्म फ्लॉप रही। 2008 में इनकी अगली फिल्म आती है कर्ज, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस साल इनकी अगली फिल्म आती है गुमनाम, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दी गई। 2009 में इनकी फिल्म आती है एसिड फैक्ट्री, और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2009 में इनकी फिल्म आती है मैं और मिसेस खन्ना, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2010 में इनकी फिल्म आती है प्यार इम्पॉसिबल, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2017 में इनकी आखिरी फिल्म आती है सोलो, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट डिक्लेयर की गई। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।